अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेंशन फ्री कुकिंग। आज मैं आपके लिए जो बनाने लगी हूँ वो है मैजिकल वाटर। इसको मैजिकल वाटर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो पानी है इसके इस्तेमाल से जो छोटे बच्चे हैं ना उनका बड़ी तेज़ी से जो है ना वेट गेन होता है। और उनको इसकी वजह क्या है कि उनको उनकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनको जो जो भी कुछ वो खा पी रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं अगर सिर्फ, तो वो दूध उनको जल्दी हज़म हो जाता है। और जब उनको भूख लगती है तो जितनी क्वांटिटी वो पहले ले रहे होते हैं दूध की या खाने पीने की, वो उससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जब उनका खाना पीना ज़्यादा होता है तो ज़ाहिर है फिर उनका वेट भी गेन हो जाता है। और ये जो है पानी, आप जब बेबी पैदा होता है उस वक्त से लेके ऑनवर्ड आप किसी भी एज ग्रुप के बेबी को दे सकते हैं, जिनको भी जो है वो एक तो बेबी छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको गैस बहुत होती है पेट में, जिसको कहते हैं ना कॉलिक पेन, और वो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और डिस्टर्ब होते हैं, उनका स्टमक बहुत हार्ड हो जाता है और वो उनको बहुत पेन फील हो रही होती है। तो अगर आप इस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनको जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी जो वो कॉलिक पेन होती है उनको, दूसरे ये उनकी भूख भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उनकी सेहत दिन ब दिन अच्छी होना शुरू हो जाएगी, हाजमा बेहतर हो जाएगा, और वो जो एक बच्चे को जो आप कहते हैं बर्प कराते हैं, डकार दिलवाते हैं, वो फौरन बच्चा जब दूध पिएगा या खाना खाएगा वो उसको आ जाएगी और उसको वो उपकाइयाँ सी नहीं आएंगी, बच्चा मुंह में से दूध नहीं फेंकेगा, और वो जो बहुत दूध पीने के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा दूध बाहर निकाल देता है वो नहीं होगा। तो ये पानी जो है ना, आपने जो कुछ भी बच्चे का जो है बनाना है ना वो इसी पानी में बनाना है। दूध अगर आपने बच्चे का बनाना है ना तो वो जो पानी इससे तैयार होगा उसी से बनाना है। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी वीडियो के साथ, अगर मैं अटैच कर सकूंगी अपने अपनी बेटियों की, कि वो जब वो पैदा हुई थी तो उस वक्त उनकी पिक्चर, और जो है 1.5 से 2 महीने के बाद इस पानी के इस्तेमाल के बाद उनकी सेहत कितनी अच्छी हो गई थी, कि जब वो पैदा हुई थी उनका वेट 1 का 3 kg था, और जो है वो 1 से 1.5 महीने के बाद जो है वो उसका वेट 5 kg तक चला गया था इस पानी के इस्तेमाल की वजह से। कि मैं उसको जो भी दूध वगैरह बनाती थी वो इसी पानी में बनाती थी, मतलब आपने इस पानी को बना के रख लेना है। और जब भी आपने बच्चे का दूध बनाना है ना, वो आपने कच्चे पानी में नहीं बनाना, आपने अगर वो जो है वो पाउडर मिल्क से आप बनाते हैं तो आपने इसी से बनाना है, और अगर वो मदर फीड के ऊपर है तो आप वैसे इस पानी को चम्मच से थोड़ा थोड़ा बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद पिला दे रहे हैं। चलें अभी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो है वो 1 चुटकी या 1/2 टीस्पून समझ लें, आधी चम्मची अजवाइन है, ये आधी चम्मची या 1 चुटकी सौंफ है, और 1 सब्ज़ इलायची है। ठीक है जी, अब इसकी क्वांटिटी आपने लेनी कैसे है, ये मैंने देखती ले ली, इसमें मैंने ये 1 लीटर पानी ले लिया। 1 लीटर पानी मतलब ये 4 ग्लास पानी है, 4 कप कह लें, 4 ग्लास कह लें, 1 लीटर पानी है, और उसमें ये 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1 सब्ज़ इलायची ये आपने डाल देनी है। ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को दे, बड़ों को भी अगर किसी को इस किस्म का मसला है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती और खाना नहीं हजम होता, उपकाइयाँ आती हैं, तो वो अपने लिए भी ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए, बड़ों के लिए एक चीज़ ये ऐड कर सकते हैं कि इसमें 3-4 पत्ते आप पुदीने के डाल लें बॉयल करते वक्त, लेकिन बच्चों का जो आप पानी उबाल रहे हैं ना, छोटे बच्चों के लिए जो आपने दूध बनाने के लिए इस्तेमाल करना, उसमें नहीं डालिएगा। इसको मैं जो है वो उबालने के लिए रखने लगी हूँ, फुल बॉयल करना है, जैसे हम फुल पानी बॉयल करते हैं उस तरह से। ठीक है जी, ये 5 से 10 मिनट में फुल बॉयल हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल। ये देखें उबल रहा है पानी, और इसका साथ साथ कलर भी चेंज हो रहा है। ये जितनी भी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी सब के सब अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और ये सब मैंने जो है वो अपने बच्चों को मैं खिलाती भी रही हूँ, खिला भी रही हूँ, और वो बहुत शौक से सारे खाते हैं। और इस पानी का तो इतना फ़ायदा है कि मैं हर एक को इसके बारे में ज़रूर बताती हूँ। मेरी जो 2nd नंबर वाली बेटी है वो प्रीमेच्योर हो गई थी 33 वीक्स में, और उसका उस वक्त वेट था 2.3 kg, यानी 2 kg and 300 grams। तो वो बहुत छोटी सी वीक्स ही लगती थी, जैसे छोटे से वो आर्टिफिशियल सी गुड़ियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी सी उस तरह की। तो मैं उसको इसी पानी के अंदर जो है ना वो, और वो आप सोच लें कि आधा औंस से भी कम दूध पीती थी जब वो पैदा हुई थी तो, और मदर फीड पे नहीं थी, दूसरा फार्मूला मिल्क पे थी, तो मैं उसको इसी पानी में जो है वो दूध पिलाती थी।
बना के, और आप यकीन करें कि छिले के अंदर ही विद इन 1 month पैदा होने के वो हाफ ऑंस से भी कम दूध पीती थी, और 1 महीने के अंदर जो है वो 5.5 ml तक जो है वो दूध पीने लग गई थी वो। और 1 महीने का बच्चा, मेरा नहीं ख्याल आपने कहीं देखा होगा कि वो 5 साढ़े 5 ounce दूध जो है वो पी लेता हो। और 1.5 2 महीने तक उसका वेट जो था ना वो 2.3 kg से बढ़कर 5 point something kg जो है वो हो चुका हुआ था, और वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी बेबी हो चुकी हुई थी। मैंने अपने तीनों बच्चों को यही इसी पानी में जो है वो 6 महीने तक तो मैंने उनको ये पानी दिया है, और उसके बाद भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। कोई आपका बड़ा बच्चा भी है अगर जो खाना खाना नहीं खाता या तंग करता है, या उसको किसी को गैस का मसला है बच्चे को, या पेट में दर्द होता है, तो उसको भी आप ये पानी इस्तेमाल करवाएं। ज़रूरी नहीं दूध बना के आप वैसे उसको पिला दें थोड़ा सा पानी, लेकिन जो दूध पीने वाले बच्चे हैं ना उनका आपने दूध इसी पानी में तैयार करना है, इसमें कच्चा पानी शामिल नहीं करना। अगर आप गर्म थोड़ा सा, जैसे बच्चे का दूध थोड़ा सा वार्म बनाते हैं, तो इसको आप बॉटल में ठंडा करके भर के रख लें, तो देगची में हल्का सा गर्म कर लें जब आपने दूध बनाना हो, या माइक्रोवेव कर लें हल्का सा पानी को, या इसी गर्म पानी को आप थर्मोस में भर के रख लें जब आपने, आधा थर्मोस में डाल लें आधा ठंडा करके बॉटल में डाल लें जब आपने दूध बनाना हो, तो थोड़ा सा थर्मोस में से डालें गर्म पानी, और थोड़ा सा इसी का जो ठंडा किया हुआ वर्जन बॉटल में है उसमें से डालें, और बच्चे का दूध तैयार करके उसको पिला दें। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब आपने दूध इस पानी से बच्चे को देना शुरू करना है ना, तो 1 दिन के बाद आपने दूध ज़्यादा बनाना है जितना बच्चा पीता है उससे, क्योंकि बच्चे को भूख लगेगी और बच्चा ज़्यादा दूध पिएगा। और आपने ये जो है ना वो जब बच्चा रोए रोए दूध पीने के बाद, इसका मतलब है बच्चे को और दूध चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना, ये ना हो कि इस पानी के पीने से उसको भूख लगती रहे और आप उसको दूध ना उसका बढ़ा रहे हो। जब भी बच्चा रो रहा है ना, इसका मतलब है उसको भूख लग रही होगी, आपने उसी टाइम उसको दूध बना के देना है। तो आप देखिएगा कि 1-1.5 महीने में ही जो है ना वो आपका जो पैदा हुआ बच्चा है उसका 3 से 4 किलो वज़न इस पानी की वजह से बढ़ जाएगा, ठीक है जी। मैं अभी इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसका कलर हल्का सा येलो टोन में चला गया है। बस ये इतना हमने इसको उबाल लिया तकरीबन 10 मिनट्स, फुल जब फुल इसको उबाल आया और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अब इसको इस तरह से आप या तो छन्नी से छान के जो है वो थर्मोस में डाल लें, ठीक है जी, या तो इसको थर्मोस में भर लें छन्नी रख के गर्म को ही, और जब आपने जो है वो बनाना हो बच्चे का दूध, तो इसका हाफ आप थर्मोस में डाल लें, पानी डबल कर लें, बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी डबल कर लें, और हाफ आप ठंडा करके किसी बॉटल में या जग में भर लें। तो जब आपने दूध बनाना हो हाफ इसमें से डालें, हाफ उसमें से डालें, और वार्म सा जो है वो बना लें, या इसी को ठंडा करके बॉटल में भर लें, और जब दूध बनाना हो तो उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लें या हल्का सा देगची में गर्म कर लें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करके जो है वो इसके साथ कुछ पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी अपनी बेटियों की, बिफ़ोर और आफ्टर की। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया और या नहीं किया, या किया तो आपको क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है जी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।